नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे वनडे मैच के दौरान चोटिल हो गए। इस मैच में चोटिल होने के बावजूद भी रोहित शर्मा ने टीम इंडिया के लिए जबरदस्त बैटिंग की। वो मैच तो नहीं जीता पाए लेकिन उन्होंने सबका दिल जरूर जीत लिया। उस मैच में चोटिल होने के बाद रोहित शर्मा ने तीसरा वनडे मैच और पहला टेस्ट मैच भी नहीं खेला और अब उनके दूसरे टेस्ट मैच खेलने की उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन अभी यह खबर सामने निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा अभी भी पूरी तरह से फिट नहीं हो सके हैं और इसे देखते हुए लगता है कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच भी नहीं खेलने वाले हैं। अब बात करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहे टेस्ट सीरीज के बारे में। तो टेस्ट सीरीज का पहला मैच टीम इंडिया ने 188 रन से जीत लिया। यह मैच टीम इंडिया के लिए बहुत ही खास रहा क्योंकि इस मैच में यह टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए बहुत ही शानदार रहा। इस टेस्ट मैच में जहां शुभम गिल ने अपना पहला शतक जमाया तो वहीं चेतेश्वर पुजारा जो कि बहुत दिनों से फॉर्म से बाहर चल रहे थे उन्होंने भी अपना शतक लगा, टीम इंडिया में वापसी कर ली है और टीम इंडिया की यह मैच जीतते ही टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी है। अगर टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला दूसरा टेस्ट मैच भी जीत लेती है तो टीम इंडिया की जगह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लगभग पक्की हो जाएगी। अगर टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाती है तो टीम इंडिया पहली टीम होगी जो कि लगातार दूसरे साल भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाएगी। इस बार टीम इंडिया से उम्मीद होगी कि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।